हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे। आज मैं आपको चलते फिरते अस्पताल के बारे में बताने वाली हूँ जो ज़रूरतमंद का कर रहा है मुफ्त इलाज। तो बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं विस्तार से बात। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भारत के पिछड़े इलाकों में लोगों को अस्पताल से जुड़ी सेवा देने के लिए एक ट्रेन को ही अस्पताल का रूप दे दिया गया है। इस ट्रेन को लाइफलाइन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। पटरी पर चलता फिरता यह हॉस्पिटल देश के लोगों की काफ़ी लाभदायक साबित रहा है। जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइफलाइन एक्सप्रेस नाम से पटरी पर दौड़ता यह अस्पताल साल 1991 से शुरू किया गया था। इस दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन होने का गौरव प्राप्त है। देश के दूरदराज के इलाकों में लोगों को फ्री इलाज देने के लिए बनाई गई लाइफलाइन एक्सप्रेस वास्तव में ग्रामीण इलाके के लोगों की बड़ी सेवा कर रही है। लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन इस समय असर के बदरपुर स्टेशन पर तैनात है। इस हॉस्पिटल ट्रेन में आधुनिक तकनीकी उपकरण और डॉक्टर की टीम है, जिसमें 2 मॉडल ऑपरेशन थिएटर्स और 5 ऑपरेटिंग टेबल समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस ट्रेन में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। ट्रेन में बेहतरीन स्टेट ऑफ दी ऑपरेशन थिएटर्स हैं। सर्जरों ने इस ओटी में कटे होंठ, पोलियो और मोतीबिंद जैसे कई ऑपरेशन किए हैं। लाइफलाइन एक्सप्रेस का मुख्य लक्ष्य अच्छी मेडिकल सुविधाएँ देना है। रेलवे से कोरोना महामारी के दौरान एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने से लेकर कोविड-19 कोच भी तैयार किए। हाल ही में रेलवे ने किसान एक्सप्रेस चलाकर चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज के संचालक में भी काफ़ी कामयाबी हासिल की है। रेलवे के इंजीनियर ने ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन, मेडिकल एसोसिएटेड रोबोट, PPA किट, मास्क, सैनिटाइजर समेत कई उपकरण भी तैयार किए। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहली हॉस्पिटल ट्रेन के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।